अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग खास है क्योंकि आज है ईद। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। तो ईद तो है, लेकिन मैं जो है वो तैयार इसलिए हुई हूँ ताकि सब ये ना सोचे पता नहीं इसको कौन सा दुख है क्या। दुख तो ज़िंदगी में होते हैं, मामला भी होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक करम करे सब बेहतर हो रहा है। मतलब जो हमारे फैमिली मेम्बरान जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कपड़े इतने नहीं सिलवाए थे, और क्यों नहीं सिलवाए थे वो तो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और सबसे पहले ईद की मुबारक लेने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को लाजमी प्रेस कर दें। और मैंने आज पहना हुआ है 1 साल पुराना ड्रेस, जो कि है शापोश का। और शूज मैंने पहना हुआ है स्काई वॉक वाले शूज़ पहना हुआ मैंने। आपको पता ही होगा जो ब्रांड पहनते हैं, पता ही होगा। तो मतलब जाहिर सी बात है, आज कल ऐसा था कि आपको कुछ अच्छा दिखना था, तो मैंने लिपस्टिक भी लगा ली साथ। और लिपस्टिक मैंने कुछ ब्रांड की नहीं लगाई, वो आम सी लगाई थी। तो सुबह पहले मैंने सेवइयां बनाई हैं, फिर उसके बाद हमारे घर मेहमान आ गए। और हाँ, ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने आज बनाया था जी, इसको कहते हैं लबेशी। कराची फेमस चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा। और वो रंग बिरंगी सेवइयां और कस्टर्ड, तो मैंने सेवइयां कम रखी थी, और उसके बाद मैंने इसमें बाकी फ्रूट्स वगैरह इसलिए मिक्स नहीं किए कि हम दो लोग हैं और हमें कम उन बनाना था। तो उसके बाद ज़रा किचन का हाल देखते हैं। ओह माय गॉड, ये देखें मेहमान बच्चे आए थे, लेकिन उन्होंने कोक बिना पिए छोड़ दी। और फिर मुझे साथ साथ खाना बनाना है, साथ साथ चिकन बनाना है, लेकिन पहले इसको खाते भी हैं हम लोग। तो हाँ, इसको टेस्ट कर लेती हूँ मैं। वाओ, ये जरा ये बाइट मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। अमेजिंग, बड़ी वाली बाइट। एक और बाइट। मेरे का प्रॉब्लम है, मुंह में पानी आ रहा है, मैं खा लेना। तो ये मैंने काट के रख दिया सामान, प्याज श्याज टमाटर, अभी मैं खाती हूँ ये। उसके बाद जैसे जैसे साथ व्लॉग बनता रहेगा, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। फिर से ईद मुबारक। जैसे कि किचन में गुजरता है, मेरा भी, वैसे मैं लगती तो नहीं माँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट कर लें। तो आज मेरा भी किचन में गुजरा है, सुबह दूध दुला रही हूँ, लबेशी ली हूँ, और उसके बाद फिर चिकन बनाए हैं। अभी चावल दम पे रखे हुए हैं। हमने बहुत टाइम से प्लान किया हुआ था ईद से पहले कि आज के दिन ना हम ये वाला खाना बनाएंगे, चिकन करी और बॉयल चावल। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं खुद को खुद कैमरे में देख रही थी, भूल गया था क्या बोलना है, दिमाग ना गर्मी से चकरा गया। अभी हम लोग खाएँगे खाना, हमारे किचन को इग्नोर करना है आप लोगों ने, बहुत थक गए। तो अभी इसलिए मैंने सोचा कि कहीं भी इस तरह बैठ के खाने से बेहतर है कि या फिर स्कूल से बैठ के ना हम लोग खाना खाएं। अभी मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जरा, दिखाओ जरा, ये यमी सा चिकन करी और ये बॉयल चावल, ठीक है। अभी मैं लेके जा रही हूँ अंदर, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी हम लोग ये खाएंगे, उसके बाद अगली बात होगी, तो
फिर आपको खाते हुए दिखाते हैं। तो माशाल्लाह जी ये देखें, ये हमारी खूबसूरत सी जो है वो ईदी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बाइट आप सबके नाम। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट डेवलप किया ना, मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत असमर में जैसे चिकन करी होती है वो है। ये देखो माशाल्लाह भाई, अब इसी तरह की मटन कड़ी बनानी है बॉयल चावल के साथ। चलें गाइस, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी लोग तैयार नहीं बन रहे हैं ना, हम सुकून से खाना खा लें। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।